Hallelujah. You are the salt of the earth, not the world, but earth. और पृथ्वी के लिए हम नमक है, कहकर बाइबल कहता है। नमक क्यों? नमक का उदाहरण लिया गया, नमक का मतलब है स्वाद। हालेलुया, स्वाद। हमें स्वादिष्ट होना जरूरी है। कैसे, किस चीज में, किस चीज के लिए हमें नमक बोला गया है? कोलोसी 4:6 पढ़िए। हम जगत में हैं और हमें नमक बोला गया है, 4:6। हमारा शब्द में हमें नमकीन होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। ज्यादा नमक लग जाए तो हम खा पाएंगे उस चीज को? नहीं। कहने का मतलब हमारा बोली चाली लिमिटेड, सुंदर, अच्छा, मन पर नहीं, अच्छा, लोगों को पसंदीदा हमारे बोली चाली में हमें उदाहरण होना जरूरी है, कहकर बाइबल वास्तविक रूप से बता रहा है। एक्चुअली में वो कह रहा है कि तुम जगत के नमक हो, और नमक अगर अपना स्वाद खो बैठे तो वो इसी काम के लायक होगा कि उसको निकाल फेंक दिया जाए। कहने का मतलब हमें सबसे पहले स्वादिष्ट या फिर हमें उदाहरण बनना है, एग्जाम्पल बनना है, नमक की तरह फ्लेवर्ड व्यक्ति बनना है अपने घर में। सब लोग बोले घर में। आमीन, हालेलुया। अपने बोली चाली में कहने का मतलब हमें स्वादिष्ट होना है लोगों के बीच में। कैसे उत्तर देना है, किसको कैसे उत्तर देना है? अनुग्रह के साथ हमें नमकीन, स्वाद अनुसार अच्छा जवाब। पिछले सप्ताह जीव के विषय में देखा है कि नहीं, जीव के विषय में देखा, जीव कितना शक्तिशाली, और ये जीव परमेश्वर की योजना को बिगाड़ सकता है। बोलने वाली बातों को हमने देखा, और जीव को हमें अच्छे से इस्तेमाल करना है ताकि इस जीव से परमेश्वर की महिमा हो। इन सारी बातों को देखा। सुबिया द सोल्ट कहने का मतलब हमारी बोली चाली में हमें स्वादिष्ट होना जरूरी है। कहां पर? पृथ्वी में। सब लोग बोले पृथ्वी में। पृथ्वी में, अपने घर में। और अगर हम लोग घर में अगर हम लोग स्वादिष्ट नहीं हुए, अपने शब्दों में हम लोग उदाहरण नहीं बने, तो फेंक दिया जाएगा, कहकर बाइबल कहता है, और लोग उसे रोंदेंगे। कहने का मतलब समाज में भी हमारा कोई स्वागत नहीं करेगा, समाज में भी कोई हमारा इज्जत नहीं करेगा, समाज में हमेशा लोग दबा कर रखेंगे हमें। Why? We are good for nothing. बाइबल क्या कहना चाहता है कि आपको रोज स्वादिष्ट होना है, हमारी बोली चाली में हमें उदाहरण होना जरूरी है। Grace with salt कहकर बाइबल कहता है, कोलोसी 4:6। So, आपको मैं एनकरेज करता हूँ कि आइए, इसीलिए बाइबल कह रहा है कि तुम जगत के नमक हो। कहने का मतलब हमें बोली चाली में, अपने घर में, घर के बाद समाज में उदाहरण होना है। सब लोग बोले उदाहरण होना है। और उसके बाद बाइबल ये बिगिन करता है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब अर्थ नहीं कह रहा, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सब लोग बोले वर्ल्ड, जगत। बोले जगत, तुम जगत के ज्योति हो। संसार के नमक हो लेकिन जगत के क्या हो? ज्योति हो। और बाइबल कुछ कह रहा है यहाँ पर, ज्योति, ज्योति को कहाँ पर चमकने के लिए बोल रहा है? 15 पढ़े। और लोग दिया जलाकर मेहमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश। कहाँ? कहाँ? घर। सब लोग बोले कहाँ? घर। सबसे पहले हमें ज्योति कहाँ होना है? घर। सब लोग बोले घर में ज्योति होना है। आमीन। आपको घर में उदाहरण होना है। कहने का मतलब नमक पहले घर में। आमी होखारो काने आमी पुहोर, आमी ज्योति, हम पुहोर है, और पुहोर सबसे पहले घर में। एंड देन बाइबल कहता है मनुष्य के बीच में, और मनुष्य के बीच में किस प्रकार से, आगे पढ़ो भाई, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। और ज्योति का मतलब है अच्छा काम। ज्योति का मतलब है अच्छा काम। सब लोग बोले अच्छा काम। एक दूसरे को बोले अच्छा काम करते रहो। बोली चाली में उदाहरण बनो। हाँ, बोली चाली में उदाहरण नमक, अच्छा काम, ज्योति।